अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अब नए सिरे से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। ऐसे में उसकी नजर प्रदेश के ओबीसी वोट बैंक पर है, जिसे अपने साथ लाने के लिए भाजपा सोशल मीडिया का सहारा लेने जा रही है। इसी के तहत सोमवार को लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में सोशल मीडिया की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की। लेकिन यह सफल वर्कशॉप है, यशस्वी वर्कशॉप है, और इसमें जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो बहुत ही तेजस्वी कार्यकर्ता हैं, और सोशल मीडिया का प्लेटफार्म भी एक चुनावी युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे करके बन गया है, और उस क्षेत्र में भाजपा आज जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे ही सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर भी सबसे अधिक अगर फॉलोअर्स किसी के पास हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इस विषय को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज की कार्यशाला है। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम ने दावा किया कि ओबीसी समाज बीजेपी के साथ चट्टान की तरह जुड़ा हुआ है, और 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने में मदद करेगा। ओबीसी मोर्चे का सोशल मीडिया की कार्यशाला है, उद्घाटन सत्र में मुझे शामिल होने के लिए कहा गया था और मैं उस कार्यशाला में शामिल होने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है। और यह सच है कि देश का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। पीछे 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को साधने की जुगत में है। पार्टी इससे पहले ओबीसी महाकुंभ को लेकर बाइक रैली का आयोजन कर चुकी है और अब सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर रही है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ओबीसी वर्ग के युवाओं तक बीजेपी की नीतियों के साथ ही सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी पहुंचाएंगे। इस कार्यशाला के जरिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में सोशल मीडिया वॉलंटियर तैयार करेगा, ताकि सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए।